नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। आज फिर 107 लोगों की जांच रिपोर्ट आई है, जिसमें 3 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। अब देखा जाए तो जिले में 79 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके, जिनमें से करीब 45 लोग कोरोना को मात देकर अपने घर जा चुके। अब देखा जाए तो जनपद में कोरोना के 32 एक्टिव केस हैं तथा 2 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी। आज मिलने वाले सभी लोग नगीना थाना क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी विजय कुमार यादव ने फोन पर इसकी जानकारी दी। तीनों कोरोना मरीजों को प्रशासन ने उपचार के लिए मुरादाबाद भर्ती कराया। यह सभी लोग मुंबई से आने वाले लोगों के संपर्क में आए थे। एक के बाद एक कोरोना मरीज मिलने से अधिकारियों में हड़कंप मचा है। एहतियात के तौर पर इनके गांव व मोहल्लों को हॉटस्पॉट घोषित करते हुए सील करने तथा गांव व मोहल्लों को सैनिटाइज कर कोरोना के संक्रमण को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं लगातार मिल रहे कोरोना मरीजों से जनपद वासियों में भय व्याप्त है। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। देश में फैली कोरोना महामारी के चलते आज ईद उल फितर पर मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने अपने घरों में नमाज अदा की। इस दौरान ईदगाह व मस्जिदों पर सन्नाटा पसरा रहा। बताया जाता है कि आज के दिन नमाजियों से ईदगाह भरा रहता था, वहां पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती थी, लेकिन आज पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि प्रशासन ने पूर्व में ही सभी मुस्लिम धर्मगुरुओं से ईदगाह पर नमाज अदा न करने का आह्वान किया था। ईद के त्योहार को लेकर रविवार को पुलिस कप्तान संजीव त्यागी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकालकर सभी मुस्लिम भाइयों से अपने अपने घरों में नमाज अदा करने व पुलिस प्रशासन का सहयोग करने का आह्वान किया था। तो वहीं सभी मुस्लिम भाइयों ने शासन प्रशासन का सहयोग करते हुए ईद की नमाज अपने अपने घरों में अदा कर कोरोना को हराने में सहयोग किया। एहतियात के तौर पर जनपद की ईदगाह मस्जिदों के आसपास पुलिस के जवान तैनात रहे। बिजनौर से नीरज वर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। ईद उल फितर के त्योहार पर प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों ने कस्बे का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कस्बे वासियों को ईद की बधाई देते हुए लॉकडाउन का पालन करने व घरों में रहने का आह्वान किया। वहीं मुस्लिम समाज के लोगों ने दारुल उलूम देवबंद फतवे के मुताबिक तथा उलेमाओं की अपील पर ईद की नमाज घरों पर ही अदा कर दुनिया को कोरोना महामारी से निजात दिलाने तथा देश में भाईचारा व अमन शांति की दुआ मांगी। दरअसल लॉकडाउन व धारा 144 के चलते ईद पर नगर के बाजार, गली मोहल्ले तथा चौराहे सुनसान नजर आए। कोरोना महामारी की वजह से सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए लोगों ने घरों में ही नमाज अदा की, जिस कारण ईदगाह भी सुनसान रहे। उलेमाओं की अपील पर लोगों ने बड़ी सादगी के साथ ईद उल फितर का त्योहार मनाया। कोरोना महामारी से निजात दिलाने की अल्लाह से दुआ भी की। लॉकडाउन के कारण ईद का उत्साह व रौनक फीकी नजर आई। बाइक पर बिना मास्क लगाकर घूम रहे युवकों के पुलिस ने चालान भी काटे। जनपद के आला अधिकारियों की गाड़ियों का काफिला देख कस्बे वासियों में खलबली मची रही। जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों ने जामा मस्जिद पर ड्रोन द्वारा स्थिति का जायजा लिया। सब कुछ सामान्य रहने पर अधिकारियों ने राहत की सांस ली। झालू से रिजवान सिद्दीकी की रिपोर्ट। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। ईद उल फितर पर सभी मुस्लिम भाइयों ने लॉकडाउन का पालन व प्रशासन का सहयोग करते हुए अपने अपने घरों में ईद की नमाज अदा की। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद रहा। शहर की ईदगाह व मस्जिदों के आसपास भारी पुलिस बल तैनात रहा। मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने अपने घरों में नमाज अदा कर एक दूसरे को मोबाइल के माध्यम से ईद की मुबारकबाद दी। वहीं ASP ग्रामीण संजय कुमार ने पुलिस बल के साथ शहर की ईदगाह व मस्जिदों का जायजा लिया तथा मुस्लिम समाज के लोगों को ईद उल फितर की शुभकामनाएं देते हुए कोरोना जंग में सहयोग का आह्वान किया। तो वहीं मौजूद थाना प्रभारी मनोज कुमार ने कहा कि यदि कोरोना को हराना है तो सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा, तभी हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कोतवाली देहात से रोहित कुमार की रिपोर्ट। स्टेट वाइज
चेयरमैन राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो उत्तर प्रदेश, मेरी ओर से सभी देशवासियों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। साथ ही मैं सभी देशवासियों से गुजारिश करता हूं कि इस लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए लॉकडाउन का पालन करें और सरकार के दिशा निर्देशों एवं आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करें। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, भीड़ भाड़ न लगाएं, ईद की नमाज के लिए ईदगाह पर ना जाएं। सभी मुस्लिम भाइयों से अपील है कि ईद की नमाज के लिए भी ईदगाह पर ना जाएं, अपने घरों में नमाज अदा करें और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें।